है सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आपको अभी अपने सामने दिख रही होगी KTM की RC एंड KTM की ड्यूक दी दोनों 2022 वाले वेरिएंट है और दोनों 200cc के वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको KTM RC 200 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहीं की बात करें तो KTM ड्यूक 200 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड अपन बात करने वाले हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी परचेज करनी चाहिए एंड कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं दोनों के फ्रंट फेस की। तो दोनों में अपन को हैलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर कोई DRL देखने को नहीं मिलती, बट इसके अंदर आपको DRL इसमें देखने को मिल जाती है। एंड ये देखो भाई, यहाँ से कुछ इसका फ्रंट फेस देखने को मिल जाता है, उसमें हैलोजन मिल जाती है, इसमें ये मिल जाती है। एंड इसकी बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स के फ्रंट मास्क पे ही प्लेस है, आपको दिख रहा होगा। एंड उसकी बात करें इंडिकेटर्स की, तो इसमें LED इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ प्लेस करने को मिलते हैं, बट इसकी जो DRL है ड्यूक 200 की, काफ़ी अच्छी और प्रीमियम सी लगती है। एंड लुक्स में किसी को RC पसंद है, किसी को ड्यूक पसंद है, मेरी पर्सनल जो फेवरेट है भाई वो ड्यूक है, मेरे को ड्यूक काफ़ी पसंद है। एंड अब अपन बात करते हैं इसके फ्रंट लुक्स की, तो लुक्स आप एक बार पॉज करके वीडियो देख लो और बताओ कि कमेंट करके किसको कौन से लुक्स ज़्यादा पसंद है। मोस्ट ऑफ द ड्यूक के फैंस होंगे। एंड साइड लुकिंग की अगर बात करें दोनों बाइक्स की, तो साइड लुकिंग में ड्यूक मुझे ज़्यादा पर्सनल फेवरेट पसंद है KTM RC के थ्रू। तो एक बार ये भी कमेंट करके बताना साइड लुक्स किसकी ज़्यादा बेटर है। एंड अब अपन चलते हैं बैक लुक के ऊपर, तो बैक लुक में आते हैं, तो बैक लुक भाई कहीं ना कहीं KTM RC की ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है ड्यूक के कंपैरिजन में। तो बैक की बात करें तो दोनों में LED लाइट्स अपन को देखने को मिल जाती है विद LED इंडिकेटर्स, तो ड्यूक का सिस्टम कुछ ऐसा मिलता है अपन को देखने को। एंड RC की बात करें तो RC में अपन को कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। अब अपन आ जाते हैं इसके इस साइड लुकिंग में, तो इस साइड की लुकिंग अपन को कुछ ऐसी प्रोवाइड होती है ड्यूक 200 एंड RC 200 की। एंड अपन अब बात करते हैं मीटर कंसोल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल RC 200 के अंदर अपन को पूरा डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है एंड ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे आपको इसके लाइट्स वगैरह कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे इग्निशन ग्रिल स्विच का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो WP Apex के, इसमें अपन को अप साइड एंड फ्रॉक देखने को मिल जाते हैं जो कुछ इस तरीके के लगते हैं। एंड यहाँ पे WP की सस्पेंशन की अपन को बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। एलॉय की बात करें तो ऑरेंज कलर में इसका एलॉय आता है, क्योंकि ऑरेंज एंड ब्लैक कलर डुअल टोन में बाइक आती है। अब ड्यूक 200 की बात करें तो इसमें भी सेम अपन को WP Apex के सस्पेंशन देखने को मिल जाता है एंड इसमें भी अलावा अपन को ऑरेंज कलर के देखने को मिल जाते हैं। एंड इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर कुछ ऐसा देखने को मिलता है एंड RC 200 में अपन को रिफ्लेक्टर कुछ उस तरीके का देखने को मिलता है। इसके कंसोल की बात करें तो भाई इसमें ओल्ड स्कूल टाइप कंसोल है जो पहले की KTM की बाइक में आ रहा था। टैंक की बात करें तो दोनों में मेटल टैंक दिया गया है, बट इसका जो टैंक है वो सिंगल कलर में एंड उसका जो टैंक है वो डुअल कलर में अपन को देखने को मिलता है। टैंक साइज़ की बात करें तो 13.5 लीटर का दोनों में अपन को सेम टैंक साइज़ अपन को देखने को मिलता है। पावर की बात करें तो दोनों में 199.5 cc का इंजन देखने को मिलता है जो सेम पावर प्रोड्यूस करके देता है। एंड पावर काफ़ी अच्छी है दोनों बाइक्स की, 19.2 Nm का एक टॉर्क निकाल के अपन को प्रोवाइड करता है एंड 25 bhp की पावर ये अपन को दोनों बाइक्स निकाल के प्रोवाइड करती है। पीछे की शॉकर की बात करें तो दोनों में अपन को मोनोशॉक देखने को मिल जाते हैं जो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह का सेटअप कुछ लगता है KTM RC का एंड इस तरह का सेटअप लगता है कुछ KTM ड्यूक का। एंड ओवरऑल लुकिंग पीछे से कुछ ऐसी आती है। हम राइडर से पोस्चर व्यू की बात करें तो राइडर पोस्चर व्यू अपन को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है एंड ड्यूक के अंदर अपन को कुछ इस तरीके का राइडर पोस्चर व्यू देखने को मिलता है। अपन बात करते हैं माइलेज की, तो KTM ड्यूक जो 200 है उसका कंपनी क्लेम करती है 30 से 40 किलोमीटर के अंदर का, मतलब 35 आप समझ लो इतने का माइलेज। एंड इसका भी सेम वही कंपनी क्लेम करती है माइलेज, बट आपके ऊपर है कि डिपेंड करता है कि आप कितना इन बाइकों से माइलेज निकाल सकते हो एंड कितना इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई इतनी पावरफुल बाइक होगी तो भाई आप 40-50-60 की स्पीड में तो चलोगे नहीं, फुल थ्रॉटल के हिसाब से चलाओगे तो भाई कभी भी एक्सेप्ट मत करना कि आपको 35 का माइलेज निकाल के देगी, आपको 30 के लगभग ही माइलेज निकाल के देगी KTM की ड्यूक एंड KTM की RC, क्योंकि आप इसको भाई खींचने वाले हो गाड़ी, क्योंकि पॉकेट वॉकेट जो इनका नाम है वो इस तरीके से नहीं पड़ा। एंड अब अपन बात करते हैं इसकी चेसी की, तो इसमें डबल चेसी फ्रेम अपन को देखने को मिल जाता है जिसके जॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेम ड्यूक की बात करें तो यही सेम है, उसमें भी डबल चेसी फ्रेम अपन को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका अपन को रेडियर प्रोवाइड है एंड इस तरीके की लुकिंग कुछ लगती है। एंड अब अपन बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस की, तो भाई एक्सशोरूम प्राइस जो है KTM RC 200 का वो है 215,000 रुपये, मतलब इस वाले जो वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है वो 215,000 रुपये। एंड ड्यूक 200 की बात करते हैं उसका एक्सशोरूम प्राइस है 192,000, बट अब अपन बात करते हैं कि ऑन रोड अपन को कितने में पड़ती है, तो ड्यूक 200 जो BS6 है तो 200,000 अपन को 23,000 रुपये पे करने पड़ते हैं उसके ऑन रोड, मतलब अगर ये बाइक आपको परचेस करनी है तो 223,000 रुपये आपको अपनी जेब में रख के लाने पड़ेंगे या EMI बनवा सकते हो कुछ भी, बट ड्यूक 200 है 223,000 ऑन रोड प्राइस। एंड KTM RC 200 की बात करें तो 248,000 ऑन रोड प्राइस है। तो वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।